देखिए, सिद्धू साहब का ये तो किसी का निजी फैसला होता है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी तो राजनीति में हर व्यक्ति अपनी बात होता है। जहाँ तक पंजाब की राजनीति में कोई बदलाव आने वाला है, इसमें पंजाब की राजनीति में तो नहीं कोई बदलाव आएगा, आम पार्टी वालों में ज़रूर बदलाव आ जाएगा। जो बहुत सारे लोग एक होड़ में लगे हुए थे, उनमें एक ये भी शामिल हो जाएंगे। या मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी में खास आदमी का मिलना उसको मिक्सचर बन गया है अब आम पार्टी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। लेकिन सर, बीजेपी का यही कहना है कि ना कोई बात हुई, ना किसी अध्यक्ष से बात की, ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, कुछ ऐसी पहले बात नहीं हुई कि नहीं पार्टी से ये दिक्कत है। राज्यसभा सीट लेने से पहले जब नॉमिनेटेड हुए थे तब इन्होंने खुद कहा था कि हाँ मैं बीजेपी का मेंबर बन के जाऊँगा पार्लियामेंट में। इसके बाद अचानक से इस्तीफा दे देना, ये कहाँ तक गई? देखिए, ये तो वो जानते होंगे क्यों ऐसा हुआ। वैसे यदि देखा जाए, ये शिष्टाचार की से उल्ट है, और ये राजनीति में जो आज तक ऐसी बदलाव आते हैं, लोग पार्टियां चेंज करते हैं, वो भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने यदि चेंज करनी है पार्टी को, उसके कारण होते हैं, उसके किसी वजह से लोग जाते हैं पार्टियां छोड़कर। ये तो बिना किसी गलत से ही बात हुई। बीजेपी के लिए आप इसको एक झटका मानते हैं कि हाँ एक बड़ा फेस बीजेपी की तरफ से चला गया है दूसरी पार्टियों में, या अभी आप? बीजेपी तो एक बहुत बड़ी समुंदर है। बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, सिद्धू साहब की अपनी जगह थी, मगर बहुत सारे लोग बीजेपी में बहुत पुराने हैं। सिद्धू साहब तो बहुत नए चेहरे थे, ये कोई पुराना चेहरा तो है नहीं था। जहाँ दूसरी बात ये भी है कि सिद्धू साहब कोई पार्टी में एक्टिव तौर पे तो काम नहीं करते, तो कैजुअल काम करते थे, पूरा होल टाइमर तो है नहीं थे। तो जी इसलिए मैं नहीं समझता बीजेपी को कोई ऐसा झटका लगा है, या बीजेपी को कोई इसका कोई फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। आम आदमी पार्टी में उनको सीएम का चेहरा बनाने की बात तक आ गई है कि सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी बनाया जा सकता है और वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये बात तो सच हुई ना, फिर आम आदमी पार्टी के पास सीएम का कोई चेहरा ही नहीं था, बिना हेड से काम चल रहा था। तो अब भी किसको कैसे करते हैं वो तो पार्टी वालों ने देखना होता है, उनका अपना फैसला होगा। यदि अभी तक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, क्या कहेंगे कि एक तरीके से फिर से विचार करना चाहिए, फिर से सोच लेना चाहिए सिद्धू को कि जिसने पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, इतनी बार सांसद बनाया, राज्यसभा का सांसद फिर से बनाया है, इसमें कुछ सोचना चाहिए सिद्धू को? मैं नहीं समझता अब सोचने की कोई उनको अपील करने की ज़रूरत है, जहाँ सोचने पे वो नया कुछ सोचेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है, इस्तीफा राज्यसभा से देना, सोच समझ कर ही देता है व्यक्ति कोई। अब उनको कोई अपील करने का मुझे नहीं लाभ पहुँचता दिखाई देता। पार्लियामेंट से लेके सवाल है, पार्लियामेंट शुरू हो रही है, कल स्थगित कर दी गई थी, आज सेशन शुरू होगा, क्या क्या नए मुद्दे होंगे? अकाली दल की तरफ से भी कुछ मांग रखी जाएगी, कुछ डिमांड रखी जाएगी अब के सेशन में? देखिए, जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है कल से, आज पहला दिन ही है, कल तो जौन हो गया था, इसमें श्रोमणी अकाली दल की ओर से ज़्यादातर स्ट्रेस ऐसा ही दिया जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाए के जाने के लिए सरकार को कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की नेशनल लेवल पे कोई कमेटी बनानी चाहिए, और दूसरा जो सिंचाई के लिए प्रबंध है वो अच्छे होने चाहिए, उसके लिए पानी को संभालने के लिए, विशेष रूप में बारिशों के पानी को संभालने के लिए मोदी साहब की सरकार ने पिछले बजट में जो उपाय किए हैं उन पे उनको प्रैक्टिकल तौर पे अमल में लाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज जल संकट की संदेश के सामने आ रही है। उसको कैसे, इस चैलेंज को हम सॉल्व करना है, उसको गंभीरता से लेना होगा। कल राज्यसभा में कश्मीर को लेकर चर्चा हुई, तो आज लोकसभा में उम्मीद है कि कश्मीर को लेकर चर्चा होगी, तो इस पर देखिए, कश्मीर का मुद्दा बहुत अहम बनता जा रहा है और गंभीर भी है, उसका कोई लैंड ऑर्डर के साथ ही सलूशन नहीं है, उसका कोई पॉलिटिकल सलूशन भी ढूंढना चाहिए। और आज तो मैं ये मुद्दा भी उठाऊंगा कि हैदराबाद में जैसे एक सिख बच्चे की पिटाई की गई है, हमारे पटियाले का था,
वो बड़ी गंभीर बात है, उसको भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर तो जाली रहा, क्या सारे देश को जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं? कुछ लोग जो लोग देशभक्ति का सबक सिखाते हैं वो देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, मिनोरिटीज को ऐसा देश में मार पीट कर भगाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और हम इसको बहुत सख्ती से लेंगे और इस मुद्दे को हम लोकसभा में भी उठाएंगे आज, और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि ऐसे तत्व जो हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करने वाले, देशभक्ति की बात करने वाले, देश को खंडित करने में लगे हुए हैं, उनकी भी पहचान करनी चाहिए ताकि देश कश्मीर ना बन जाए। हम कश्मीर का मामला सॉल्व नहीं कर पा रहे, देश में दूसरे इश्यूज जो हैं, उन देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी ऐसी बातें करके, ये भड़काऊ बातें करते हैं जो लोग, उनकी पहचान करके उनसे सख्ती से निजटना होगा। और दूसरा, जम्मू कश्मीर का मामला जो है उसको पॉलिटिकल लेवल पे भी उसका कोई सलूशन ढूंढना होगा। जहाँ तक वहाँ कैजुअल्टी हो रही है, जहाँ तक वहाँ वायलेंस हो रही है, उसकी हम निंदा करते हैं, मगर उसका सलूशन जो है पॉलिटिकल ज़रूर ढूंढना होगा।